गंगे भैया, शुरू हो गया धक्का लगना गाड़ी में, गाड़ी खराब हो गई है। एक रूम में 13 आदमी, दो रूम में 13 आदमी, टॉयलेट एक। और दोस्तों आज दिन था दूसरा, तो हमने यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद में आज सुबह हम यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जाएंगे गंगोत्री। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो चलिए आगे का सफर शुरू करते हैं फटाफट। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग दोस्तों। सो दोस्तों हम रेडी हो गए हैं, अब हम चल रहे हैं आज फिर एक नए सफर पर। दोस्तों से मिलवाता हूँ। हो गया भाई? रेडी भाई, अब ये पहन लिए। संजय जी के रूम में कौन है? रेडी हो गए? रेडी। अबे भी हो गया? अबे भी हो गया। अच्छा फिर रेडी हो गया। ये क्या इतने इतने इसने खाना बनाना शुरू कर दिया क्या? क्या है भाई? अच्छा मंगा ली, बहुत बहुत। चलो भाई रखा है, चलो भाई चलते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता के लिए भाई भूख लग रही बहुत तगड़ी, दही खाई जाएगी। जय बात। अभी बस सबका इंतजार है पराठे को लेकर। दही सामने है, बटर सामने है, किसी पर रुका नहीं जा रहा, बस सब इंतजार कर रहे हैं पराठा फटाफट आए और खाएं। भाई बहुत अच्छा टेस्टी था। सो गाइस हम रेडी हो गए हैं, बैग हमने टांग लिया, नाश्ता कर लिया है। आज दूसरा दिन है और देखो भीड़, देखो भाई यहाँ पर कितनी है, ज़बरदस्त भीड़ लग रही है। सुबह सुबह स्टार्ट हो गई है, आज काफ़ी भीड़ रहेगी वहाँ पर। भाई मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, उन लोगों को कोई कंफर्म नहीं करेगा कि यहाँ पर किस टाइम कपाट बंद होते हैं। भाई सुबह कपाट 6 बजे खुलते हैं और शाम को एग्जैक्ट 8 बजे आरती के बाद बंद हो जाते हैं, तो थोड़ा उसी हिसाब से प्लानिंग करके आएँ। और भाई अब हम चल रहे हैं, इस होटल में रुके थे हम, ये देखो लिखा है यहाँ पर टूरिस्ट रेस्ट हाउस और JMVM है ये। ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, 2200 रुपये से 3200 रुपये का लगभग यहाँ चार्ज है। रूम अच्छे हैं, ब्रेकफास्ट खाना बहुत बढ़िया है, तो हमने खूब बढ़िया पेट भर के पराठे खाए सुबह सुबह, तो काफ़ी अच्छा लगा, घर के जैसा खाना था एकदम। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे दो 300 मेरे को, तो मैं लेके चलता हूँ। चलो ये बहुत भीड़ है, काफी श्रद्धालु आ रहे हैं भाई, हम चल दिए हैं। टाइम हो गया है लगभग 9 बजे का और नीचे जाना पार्किंग में। भाई यहाँ पर घोड़ों की पर्ची मिल रही है, यहाँ से घोड़े करते हैं और ये सीधा रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ चढ़ाई का। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये भी देखो यहाँ ट्रैकिंग हो रही है, काफ़ी कच्चा टूटा फूटा रास्ता है, शॉर्टकट है बेसिकली, नीचे जाएंगे इससे। मतलब कल हमें लेट हो गए थे इसलिए लग रहा था, लेकिन काफ़ी भीड़ है, देखो कितने लोग चढ़ चढ़ के भाई कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। भी हम लोग का सही समय था, बहुत बढ़िया रहा, मौसम भी ठीक था ना, बारिश भी थी। हाँ जी कितना लोग इसका चार्ज ऊपर तक? ऊपर जाने का? हाँ जाने का 3500-3000, जाने आने का 5000-6000 देते ऊपर तक लेके जाते हो? हाँ ऊपर लेके यही छोड़ने का ना। अच्छा सो गाइस हमने यहीं से ही स्टार्ट किया था चढ़ाई और पहुंच गए हैं अब नीचे, तो अब चल रहे हैं आपका आगे की तरफ। पार्किंग है हमारी यहीं पास में, वो नीचे पार्किंग दिख रही है, इधर से चलेंगे। ये रास्ते जा रहा है यमुनोत्री खरसाली जानी का चट्टी, 5 किलोमीटर है यहाँ से ऐसा। भाई ये होटल है, लगभग 500-600 रुपये में कमरा मिल जाता है, हमारा तो होटल लगभग 2200-3200 की रेंज में था। सब आ गए हैं और अब नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट। देखो भाई मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर है, आप यहाँ पर पार्किंग लगा के अपनी गाड़ी और ऊपर जा सकते हैं फिर पैदल पैदल। गाड़ी बाहर लाया है वो? भाई देखो पूरी गाड़ियाँ जाम में फंसी हुई है यहाँ पर, अब देखना है कि कैसे गाड़ियाँ निकलेगी अपनी, पूरा रैम ब्लॉक करा हुआ है, वेट कर रहे हैं गाड़ी का। भाई बड़ी जद्दोजहद के बाद में गाड़ी निकली है, यहाँ जाम लगा पड़ा पूरा, देखो
चलो 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 बोले यहाँ रुक गया अभी चाय नाश्ता के लिए, लगभग 11:30-12 बजे जाम लग रहा है भाई, अभी लगभग आधे घंटे का जाम हो रहा है यहाँ पर गंगोत्री के लिए जा रहा है रास्ता, क्योंकि ऊपर जाम लगा हुआ है तो एक एक गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं और उसके बाद में फिर इधर से छोड़ेंगे, इधर गाड़ी वहाँ रोक रखी है, पूरा पूर हिल रहा है अभी बस निकली तो। भाई पहाड़ों में जो जब जाम लगता है तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जैसे वहाँ से गाड़ी आएगी तो जहाँ वहाँ पर से जो लास्ट गाड़ी आएगी वो आगे यहाँ पर जो पुलिस वाला है उसे बताएगी। राम राम साहब, पैर रख के पत्थरों पे, ठोकर पे पैर रख, इस पे खुल गया भाई, एक घंटे डेढ़ में उत्तरांचल की सुंदरता को देखते हुए और पहाड़ियों में और ये अपना पानी के झरने देखते हुए कुछ रास्ते हमें ऐसे भी मिले जहाँ देखकर हमें डर लग रहा था। काफ़ी सीधे खड़े पहाड़ और नोकीले पत्थर, और कई बार ये पहाड़ और पत्थर ऊपर से गिरते हुए भी हमें दिखाई दिए, तो काफ़ी रिस्की भी है बरसात में और नॉर्मली चलने में पहाड़ों में। चलते चलते अंधेरा हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई है देखो, अब रेस नहीं ले रही है, हीटअप हो रही है मुझे लग रहा, हवा या तो लीक है इसकी, प्रेशर नहीं बन रहा इसमें। चलो 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 पहले गियर में लगा कर रखो। ये भैया देखो शुरू हो गया धक्का लग रहा गाड़ी में, गाड़ी ख़राब हो गई है, इसका पिकअप नहीं बन रहा, हवा लीक हो जाना जैसे प्रेशर से। काफ़ी देर के प्रयास के बाद में आखिरकार हमारी गाड़ी अब चल पड़ी थी, पर चलते ही थोड़ी देर बाद फिर दोबारा। भाई रात के 10 बजे हैं, अभी बस पहुंचे हैं यहाँ पर, गंगोत्री पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से 500 मीटर हमें लगभग चलना पड़ेगा, सुबह के चले हुए हैं 8:30 बजे के और 10 बज गए हैं, तो आप समझ सकते हो लगभग 14-15 घंटे हम सफ़र करके पहुंचे हैं यहाँ पर। बहुत भीड़ थी भाई, थक गए बहुत ज़्यादा यार, अब चलते हैं भाई आगे, देखते हैं गेस्ट हाउस कैसा है। ये भाई पूरी लगभग 500-600 मीटर चल चुके हैं हम रूम पे आने के लिए, अभी चले ही जा रहे हैं। भाई हम मंदिर के जस्ट पास पहुंच गए हैं और मुझे लग रहा है रूम बिल्कुल मंदिर के पास में ही है, तो बहुत अच्छा है, यही टेंपल है भाई, रात में दर्शन हो रहे हैं, सुबह करेंगे बढ़िया से नहा धो के दर्शन, गजब यार, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। भाई देखो ये रहा गंगे मैया, भोलेनाथ को प्रणाम करो, जय नंदी भगवान जी। भाई रूम अभी पहुंचे गंगोत्री,
और सामने देखो मंदिर दिख रहा है, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए फर्स्ट क्लास अभी, मतलब अभी बाकी दर्शन सुबह करेंगे। रूम हमारा बिल्कुल इसी के पास में है, 4 बजे खोल देंगे, 700 मीटर के आस पास है ये जहाँ गाड़ी पार्क होती है। उसके बाद हम सीधे अंदर आए और सीधे मंदिर के पास गए। 4 से 6 क्या होगा फिर? 4 से 6 बढ़िया श्रृंगार होता है, बना हुआ कलाकृति हो रखी है, बहुत ही बढ़िया है। कल सुबह मिलेंगे, पूरी वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये देखो यार क्या जबरदस्त जगह हमारा आउट हो रहा भाई, ऊपर JMBN। हमने यमुनोत्री में भी यही बुक किया था और यहाँ भी अच्छा लगा, फैसिलिटीज अच्छी है भाई। आदमी को क्या चाहिए, जाने के लिए रास्ता सही हो, रुकने के लिए कमरा सही हो। पहुंच गए हम ऊपर, 1 रूम में 13 आदमी, 2 रूम में 13 आदमी, टॉयलेट एक। तो आराम से कीजिएगा, लेकिन भाई इसमें एक बात ध्यान रखना, जो भी जाएगा क्योंकि टॉयलेट है अच्छी तरह अच्छी तरह प्रकट के धो के आए दूसरे समझ ला भाई। फर्स्ट फ्लोर पे आए हम और ये है देखिए भाई फर्स्ट फ्लोर पे। चलो भाई मेरा भी हो गया, ये हो गया फिक्स, चलो भाई सबने अपने अपने बुक कर लिए भाई। भाई ये है अच्छा है बट टॉयलेट एक ही है, इनको अभी रूम नहीं मिला। इनका रूम देख लो जरा क्या क्या हिसाब किताब है, क्यों नहीं रूम मिल रहा इनको, मिल गया भाई। ये देखो हितेश कैसा पढ़ा है एकदम, और ये देखो ये गायत्री मंत्र गा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इनकी थोड़ी सी हालात थोड़े सही नहीं लग रहे मुझे। हैं? अरे सर आप दोनों पे सो सकते हो। चलो बुलावा, वहां भी एक खाली पड़ा है रूम कमरा, जैसे ये दो है इन दोनों को एक बना के मैं अकेला सो सकता हूँ नहीं कूद रहे सर, मैं सोच रहा हूँ टांग ऐसी चोटी करके सोऊंगा, थक जाता गया ना भाई। मैं नीचे आ गया, अब भूख लगी है, खाना खाने चलते हैं जरा। ये इसका रिसेप्शन है, गवर्नमेंट का है ये बेसिकली, गढ़वाल का जो गवर्नमेंट होती है, और यहाँ पर खाना मिलेगा भाई। देखो भूख लग रही थी, बहुत बढ़िया खाना मिल रहा फर्स्ट क्लास, सबने एकदम घर जैसा खाना है, खा के सब एकदम पेट भर गया है सबका, मेरा स्टार्ट हुआ। सो गाइस मैं पहुंच गया हूं गंगोत्री, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गंगोत्री माता का मंदिर है, गंगा मंदिर का मंदिर है, और भाई साहब बड़ी खुशी हो रही है यहां पहुंच गया। आप यहां पर बिल्कुल आ सकते हैं, गंगोत्री के पास में सीधी टैक्सी पहुंचती है, 700 मीटर दूर ये लगभग मंदिर यहाँ पर है, और आप आराम से आ सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं है। आज डेट है 2 जून में मैं खड़ा हूँ, और भाई ये पीछे ही होटल है बिल्कुल JMBN, ज़बरदस्त होटल है, बढ़िया खाने पीने को मिल जाएगा यहाँ पर, आराम से आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। रात का टाइम है 10 बजे है, और सुबह 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 अपना दर्शन कर लो। दोस्तों आप भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, दर्शन करने के लिए आप हरिद्वार और ऋषिकेश से बस पकड़ सकते हैं, या फिर अपनी सवारी से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो बहुत बढ़िया जगह है, आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और हाँ, अगली वीडियो जल्द ही आने वाली है, उस वीडियो में भी आपको मैं हर्षित वैली का व्यू दिखाने जा रहा हूं। So...